हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन दुनिया की पहली सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर देता है, जो स्पेस भ्रमण करते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगाने लगती है, जिससे पूरी दुनिया हुई थी खुश, बस अमेरिका हुआ था रुष्ट। ऐसा डर का माहौल बना अमेरिका में, अखबार, समाचार, खबरों का बाजार सब बावले हो गए। लेकिन इस वीडियो का मुद्दा ये नहीं है कि अमेरिका रुदाली बन के नाच रहा था, बल्कि ये है कि अगर स्पुतनिक 1 पहली सैटेलाइट थी तो ये ब्लैक नाइट क्या है, जिससे आते हुए रेडियो सिग्नल निकोला टेस्ला से लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने और स्पेस एजेंसीज ने सुने हैं, जिसे CIA और NASA रफा दफा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जी ये कुछ भी नहीं है, ऐसी गलतफहमी हो गई है दुनिया को, हम सच कह रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बढ़िया है। हाँ जी, मुझे तो पता है कितना बढ़िया है, और ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आज सुलझाएंगे हम ब्लैक नाइट सैटेलाइट की मिस्ट्री को, उस जानकारी के हिसाब से जो दबे छुपे रास्ते से किसी तरीके से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और CIA के रोकने के बावजूद भी पब्लिक डोमेन में लीक हो गई। चलो जानते हैं शुरू से। तो अभी के लिए ये जो एलियन सैटेलाइट है, हाँ एलियन ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और नासा ना 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 ये हमारी सैटेलाइट नहीं है ये बात बोल रहे हैं, और बाकी दुनिया ना जी ना, हमने कुछ नहीं रखा है स्पेस में, हमारी भी नहीं है। तो जब पूरी दुनिया डिनाई करने पे लगी हुई है कि ये उनका माल मसाला नहीं है, तो एलियन सैटेलाइट कहना ठीक होगा। हाँ तो हम कहाँ थे एलियन सैटेलाइट पर? तो आखिर दुनिया में सबसे पहले इस सैटेलाइट का पता किसको चला? तो जी वो इंसान थे निकोला टेस्ला, महान निकोला टेस्ला। हुआ कुछ यूं, निकोला टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करने के लिए वार्डन क्लिफ चले जाते हैं। समय था 1901 का। वो अपना टावर खड़ा करते हैं जो टेस्ला टावर के नाम से मशहूर था, और भैया शुरू होता है सिग्नल का आदान प्रदान। बोले तो टेस्ला जिस काम में माहिर थे, वैसे वो तो सारे ही कामों में माहिर थे, तो जी अचानक से उनका टावर एक विचित्र सिग्नल को रिसीव करने लगता है। जांच पड़ताल करने पर टेस्ला को पता चलता है कि ये सिग्नल आर्टिफिशियल था, यानी बनाया गया था। अब टेस्ला चौंक जाते हैं, क्योंकि अगर ये सिग्नल आर्टिफिशियल था तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर स्पेस में कोई बैठा है। अब इस बात का क्या मतलब निकला? तो जी इस बात का ये मतलब निकला कि इंसानों के पास तो अभी स्पेस में जाने की काबिलियत है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये जो बैठा होगा ना वो कोई इंसान तो होगा नहीं। हाँ, यहाँ पे सारा मामला फंस गया। अब दोनों चीजों को जोड़ दो, स्पेस से सिग्नल आ रहा है जो कि किसी इंसान के द्वारा नहीं भेजा जा रहा, तो ये सारी चीजें किस बात की तरफ इशारा कर रही हैं? एलियंस की तरफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ। और यहाँ निकोला टेस्ला को पहली बार शक होता है कि भैया स्पेस में हम अकेली खूंखार प्रजाति नहीं है, और भी कोई बैठा है जो कि हम पे नजर गड़ाए बैठा है। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट अ मिनट भैया, ये सब आपको कैसे पता, सबूत क्या है? अरे काहे चिंता करते हो, पूरा का पूरा पर्चा दूंगा, आराम से बैठ के पढ़ना। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि जी ऐसी चीजें आपको कहाँ से पता लगती हैं? तो भैया हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, और कुछ काम का मिल जाए तो आपसे शेयर भी करते हैं, 10 में से 1 चीज काम की जरूर मिल जाती है। अब देखो वैसे तो निकोला टेस्ला की जो रिसर्च थी, उनकी जो फाइंडिंग्स थी, वो CIA ने मतलब गायब कर दी थी, पब्लिक की नजरों में नहीं आने दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो बच बचा कर दूसरे लोगों के हाथ लग गई, और उनमें से एक था ये पर्चा जिसमें निकोला टेस्ला अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बता रहे हैं, उन सिग्नल्स के बारे में बता रहे हैं जो उन्हें वार्डन क्लिफ टावर में रिसीव हो रहे थे। अब इसे पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया सवाल, जो कि आपके दिमाग में भी आना चाहिए, कि निकोला टेस्ला तो 1901 में गए थे शायद वार्डन क्लिफ, तो यहाँ पर जिन सिग्नल्स की बात की जा रही है उसका ईयर तो 1899 है, तो क्या निकोला टेस्ला को ऐसे सिग्नल्स के बारे में पहले ही पता था? वेल तो देखो, निकोला टेस्ला के बारे में आज तक पूरी जानकारी किसी को भी नहीं है। वो क्या करते थे, कैसे करते थे, और क्या क्या कर चुके थे, ये जानकारी तो कभी भी अमेरिका ने बाहर नहीं आने दी, तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। आपकी तरह मुझे भी शक है कि निकोला टेस्ला बहुत कुछ जानते थे। अब कुछ समय बाद ये सेम सिग्नल सुनाई देते हैं मार्कोनी को, और जैसा कि आप जानते हो मार्कोनी को रेडियो का फाउंडिंग फादर कहा जाता है, और सच्चाई तो आपको पता ही है। उसके बाद 1927 में योर्गन हॉल्स नाम के एक सिविल इंजीनियर, जो एक रेडियो ऑपरेटर की तरह भी काम करते थे, ये सेम सिग्नल सुनते हैं। अब क्योंकि इस सिग्नल के पीछे का कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अपने एक फ्रेंड को यानी नॉर्वेन फिजिसिस्ट को, जिनका नाम था कार्ल स्टॉर्मर, इन सिग्नल के पीछे कारण को एक्सप्लेन करने के लिए लेटर लिखते हैं। अब कार्ल स्टॉर्मर यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये सिग्नल तो एको हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी खास बात है, एको होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, रेडियो सिग्नल आयनोस्फेयर की वजह से एको होते हैं। लेकिन ये खास थे क्योंकि जनरली एको 1/7 सेकंड में होता है, लेकिन इनके केस में ये 1/10 से लेकर 1/20 सेकंड के बीच में हो रहा था, और इन्हें नाम दिया गया लॉन्ग डिलेड एको। मजे की बात सुनो, आज तक भी हमारे पास 100% एश्योर्ड प्रूफ नहीं है कि ये क्यों होते हैं। होते तो हैं, लेकिन
लेकिन सही और सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो जुगाड़ तुगाड़ की एक्सप्लेनेशन इंटरनेट पर बनाकर परोसी गई हैं, आप चाहो तो उन्हें पढ़ लो। अब दुनिया भर में इतने सारे इंसिडेंट CIA के कान खड़काने के लिए काफी थे। CIA हरकत में आती है और अपने दो इंजीनियर्स को इस काम पे लगा देती है कि भैया इन सिग्नल को ट्रैक करो और ये कहां से आ रहे हैं इसके बारे में पता करो। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन न्यूज एजेंसीज को लीक हो जाती है। अब हो जाती है या करी गई थी, इसकी बहस में अपन लोग नहीं जाएंगे, पर हाँ ये कंफर्म है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक होती है। अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था यानी DOD, उसको ऐसा लगता था कि रशिया ने कोई ऐसी सैटेलाइट का निर्माण कर लिया है जो स्पेस में जासूसी का काम कर रही है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, ये आखिर इस वीडियो में चल क्या रहा है, एक्शन कहाँ है, फीलिंग नहीं आ रही है वो वाली, अरे चिंता क्यों करते हो। लो सुनो मसालेदार न्यूज। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि जिस चीज से ये सिग्नल आ रहे हैं वो ईस्ट से लेकर वेस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही है। सुनने में अजीब लगा? नहीं लगा होगा, लगना भी नहीं चाहिए, अब लगेगा। और हमारी धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, अभी भी अजीब नहीं लगा? भाई साहब उस समय पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि हम स्पेस में ऐसी कोई चीज भेज सकें जो धरती के घूमने की दिशा के उल्टी दिशा में घूमने लगे। तो अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो किसके पास थी? हाँ, अब कान हिले ना, यही था वो सवाल जिसने सबके कान खड़का दिए। भैया अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई, उसने अपने चेले चपाटों से संपर्क किया और कहा, सुनो भाई लोगों, बड़ी मुसीबत आ गई है। रशिया ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया है जो सीधा हमारी कनपट्टी पे उड़ रहा है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी लगता नहीं है कि रशियन है। तो अब तुम सब लोगों को एक काम करना पड़ेगा, जितने भी तुम्हारे पास रेडियो टेलीस्कोप है इन सबको इस सैटेलाइट की जांच पड़ताल में लगा दो। बोले तो पता करो आखिर ये चीज है क्या और कर क्या रही है। और आप तो जानते ही हो जनाबे अली का आदेश चड्डी बड्डी दोस्त कैसे टाल सकते थे। तान दिए सबने अपने रेडियो टेलीस्कोप इस अजीब से साउंड को पकड़ने के लिए। पेरिस में एक रेडियो टेलीस्कोप लैब से जैक्स वले नाम का एक वैज्ञानिक इस सैटेलाइट को ऑब्जर्व करता है, ट्रैक करता है और फिल्म करता है। और भैया इनकी जांच पड़ताल में ये पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी थी और पोलर ऑर्बिट में बैठी थी। अब यहाँ पर पोलर ऑर्बिट का जिक्र करना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उस समय पर पोलर ऑर्बिट में कोई भी चीज नहीं थी, बोले तो मैनमेड। और दूसरा ये कि अगर धरती पर नजर रखनी है, मतलब सारे कोने कवर करने हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया लोकेशन है पोलर ऑर्बिट। वहाँ सैटेलाइट टांग दो और चारों तरफ मुंडी घुमाते रहो। अब सुनो कमाल की बात, धरती पर इतना ताकतवर रॉकेट था ही नहीं जो पोलर ऑर्बिट में इतने बड़े मुजस्मे को वहाँ टिका सके। ये हरकत हमारी तो ना थी, बोले तो इंसानों की। अब तो भैया हाथ पैर फूलेंगे और फूल भी गए। अमेरिका हाय हाय करने लगा। अमेरिका ने फ्रांस के कान हिलाए और कहा, भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा वैज्ञानिक कैसे बातें कर रहा है, इसके अर्चे पर्चे छीन लो, नष्ट कर दो और इस खबर को दबा दो, नहीं तो धरती पे लोग बावले हो जाएंगे, अलग अलग कहानियां बनाएंगे और सरकार के काबू में नहीं आएंगे, इसलिए निपटा दो, ऐसी खबर के सोर्स को ही निपटा दो। और फ्रांस ने ऐसा ही किया, जैक्स वेले की सारी रिपोर्ट इकट्ठी करी और उन्हें जला दिया, नष्ट कर दिया और मामला दबा दिया। लेकिन अमेरिका के पेट में जो गुड़गुड़ हो रही थी वो तो शांति ना होने वाली थी, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कि अगर वाकई में कोई ऐसी सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में बैठी है तो उसे देखने के लिए तो जाना पड़ेगा, यहाँ से काम ना चलने वाला। और इसके बाद यही हुआ, होना ही था। जैसे दो दांतों के बीच में अगर कोई चीज फंस जाए तो आप कितनी भी कोशिश कर लो जीभ अपने आप वहीं पर जाएगी। ठीक इसी तरह से इंसान भी ऊट पटांग हरकत करने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है गॉर्डन कूपर की। ये कौन है? ये है 1960 के दशक के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जो मरकरी मिशन का हिस्सा थे। ये एक फाइटर प्लेन पायलट थे, उसके बाद टेस्ट पायलट बने और दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे। और ये कोई मामूली इंसान नहीं था, इनके नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आज तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी तोड़ना चाहेगा। सारे एस्ट्रोनॉट यही कहेंगे, इनके रिकॉर्ड इन्हीं को मुबारक हो। लिस्ट लंबी है, दो चार बता देता हूँ। एक बार स्पेस से नीचे आते हुए इनका लैंडिंग मॉड्यूल फेल हो गया, टोटल फेलियर। भाई साहब हीरो की तरह इन्होंने सुरक्षित लैंड कर लिया, करा तो पानी में था, लेकिन ये बड़ी बात थी, इस चीज ने भी इनको नहीं डराया। और ये आज की डेट तक अकेले ऐसे एस्ट्रोनॉट रहे हैं जो रॉकेट में बैठकर जमीन से स्पेस की तरफ जाते हुए आराम से सो गए थे। भैया ऐसे में कोई इंसान कैसे सो सकता है, पर ये सो गए थे। He was cool dude. अब इन्हें गैरमैन टिटोव के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। गैरमैन टिटोव स्पेस में सोने वाले पहले इंसान थे और ये रॉकेट में जाते हुए सोने वाले पहले इंसान थे। हाँ जी, एक रिकॉर्ड अमेरिका के नाम और दूसरा रशिया के नाम। अब मरकरी 9 मिशन में कूपर ने ये बताया कि उनके मॉड्यूल के सामने एक हरा सा स्पेसशिप, मतलब स्पेसशिप तो नहीं कहा था, आप सैटेलाइट टाइप का मान लो कुछ, कि हरे रंग का सैटेलाइट टाइप का इनके मॉड्यूल के सामने से उड़ता हुआ निकला। अब ये चौंक गए क्योंकि पता तो इन्हें भी था कि ये चीज हमने तो ना बनाई, रशिया ने लगना रही, बाकी किसी के पास टेक्नोलॉजी ना है, तो ये भी परेशान हुए। अब इनका जो मिशन कंट्रोल सेंटर था उसने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कुछ तो लोचा है।
है वहाँ पर। लेकिन जब कूपर धरती पर वापस आए तो प्रेस को इस घटना से जुड़ा हुआ एक भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी और कूपर को एक पर्चा थमा दिया कि जो इसमें लिखा है बस वही बोलना है। और उस पर्चे में लिखा था कि इनके मॉड्यूल में एक टेक्निकल फेलियर हो गया था जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया और उस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से इन्हें भ्रम होने लगे, ये अजीब अजीब चीजें देखने लगे। और भैया जब तक कूपर नौकरी में थे उन्होंने यही बात बोली, लेकिन रिटायर होते ही सारी पोल पट्टी खोल दी, सब बता दिया कि मुझे कोई भ्रम व्रम ना हुआ भैया, ये तो CIA ने जबरदस्ती मुझसे इस तरह के बयान दिलवाए ताकि सच्चाई बाहर ना आए। अब ये तो पक्का था कि ऊपर कुछ तो है, पर वो है क्या, किसने भेजा और क्यों भेजा और कब से है, ये वो सवाल थे जिनका जवाब अमेरिका के पूरा जोर लगाने के बाद भी दुनिया भर के बहुत सारे वैज्ञानिक ढूंढने लग रहे थे। और अब होती है कहानी में एंट्री डंकन लेनिन की। ये थे स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, इन्होंने दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप का डाटा इकट्ठा किया और उसे डिकोड कर लिया। हाँ जी, इनको उसमें पैटर्न मिला, पैटर्न में एक मैसेज मिला और मैसेज में एक नक्शा मिला और ये था स्पेस का नक्शा, यानी स्पेस में लोकेशन का नक्शा। अब इस नक्शे में एक तारों के समूह का जिक्र किया गया, बोले तो कॉन्स्टिलेशन, जिसका नाम था बुटेज। लेकिन यहाँ थी एक समस्या, इस कॉन्स्टिलेशन का जो सबसे चमकीला तारा था वो अपनी पोजीशन से मिसमैच हो रहा था और ये एक समस्या थी, क्योंकि अगर ये सही से मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्शा गलत है या उस चीज का है ही नहीं जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है। फिर जी इनका माथा ठनका, इन्होंने ये सोचा कि क्या पता ये नक्शा आज के टाइम का हो ही ना, क्या पता पुराने समय का हो, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये सैटेलाइट कितने समय से यहाँ पर बैठी हुई है। अब भैया अपने वैज्ञानिक ने दिमाग दौड़ाया और हिसाब किताब लगाया और जो चीज निकल कर आई वो सच में हैरान करने वाली थी। डंकन लेनिन को ये पता लगा कि ये सैटेलाइट 13,000 सालों से इस जगह पर अटकी हुई है। अब देखो ज्यादा डिटेल में तो मैं जाऊंगा नहीं, मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे हमारी धरती अपनी एक्सिस पे घूमती है तो देखो ये ग्रेविटी की वजह से थोड़ा बहुत वॉबल करती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी घूमती है। लेकिन हमें पता है कि वॉबल करते हुए धरती जो चक्कर लगा रही है उसकी एक साइकिल 26,000 साल में पूरी होती है। अब इसी कारण की वजह से जो आकाश में तारे हैं वो हमें साल दर साल अपनी जगह से थोड़े खिसकते हुए दिखाई देते हैं और इसको हम एक्सियल प्रेसिशन के नाम से जानते हैं। अब अपने वैज्ञानिक ने जब समय में पीछे जाकर अपने नक्शे को टाइम के हिसाब से मैच किया तो पता लगा कि मैसेज से जो नक्शा निकला है वो 13,000 साल पुराना है और 13,000 साल पहले तारों की स्थिति बिल्कुल वही थी जो इस मैसेज से निकल के आ रही थी। अब क्या ये इत्तेफाक था? वेल, नहीं। इसके बाद डंकन लेनिन ने रेडियो मैसेज को डिकोड करके जो जानकारी निकाली थी वो लोगों के सामने रख दी। उन्होंने ये बताया कि मैसेज से उन्हें ये पता लगा कि जिन्होंने यहाँ पर सैटेलाइट को रखा है उनका घर एप्सिलॉन बुटेज है, ये एक डबल स्टार सोलर सिस्टम है और इनका ग्रह 6 नंबर पर है जिसका एक मून है। अब क्या इस जानकारी पर भरोसा किया जा सकता था? वेल, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि इतनी सटीक जानकारी पहली बार लोगों के सामने आई थी। अब भैया साल आ गया 1998 का, एंडेवर नाम का स्पेस शटल फोटो लेता है और ये है वो फोटो। ये एंडेवर वहाँ कर क्या रहा था? तो देखो ये स्पेस शटल एक नोड लेकर जा रहा था। अब ये नोड क्या चीज है? तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे स्पेस शटल में अलग अलग जगह बनी हुई है, तो रशियन वाले हिस्से को अमेरिकन वाले हिस्से से जोड़ने के लिए एक नोड का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये क्या पागलपंती है, इससे अच्छा यहीं पे जोड़ के भेज देते। तो दरअसल बात ऐसी है, अमेरिका ने डिजाइन करा अपना हिस्सा अपने हिसाब से, रशिया ने करा अपने हिसाब से। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को डिजाइन बताकर तो नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में नोड का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसी नोड को लेकर ये ऊपर गया। अब भैया ये ऊपर पहुंच तो गया और अपना काम भी कर लिया, लेकिन इसी दौरान इसने बहुत सारी इस तरह की विचित्र फोटोग्राफ खींची जो नासा ने रिलीज कर दी। हाँ, यहाँ मेरे को शक हो गया, नासा काहे को बताएगा ये सारी चीजें? ऐसी चीजें नासा पब्लिक डोमेन में तो ना डालेगा। अब यहाँ पर कूद गए कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। अब उनके हिसाब से ये एक एलियन शिप है या सैटेलाइट है जो कि हम लोगों पर नजर रखने के लिए वहाँ पर रखी गई है, एलियंस के द्वारा रखी गई है। अब इसका जिक्र इतिहास में भी है, हर धर्म में, दुनिया के हर धर्म में ये बात मानी जाती है कि हमें कोई डिवाइन पावर चलाती है, यानी कि वो सुपर पावर जो इस धरती पर नहीं है, हम उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं या किसी और रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म में भी ये बात साफ साफ कही गई है कि जी शनि देव का शनि ग्रह है, बुध देव का बुध ग्रह है और इसी तरह से स्वर्ग नर्क ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब अगर आप थोड़ा सा तार जोड़ने की
कोशिश करो तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ही तो हैं। अब मैं इस चीज की बहस में नहीं जाऊंगा कि इन चीजों पर विश्वास करें कि ना करें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है और मेरी भी। मैं आपको दोनों साइड की स्टोरी बता रहा हूं। तो वैज्ञानिकों ने एक तार जोड़ा और वो तार कुछ इस तरह का था कि मनुष्य जिस डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा है इसको धक्का देने का काम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने ही किया है और इसके एविडेंस गुफाओं में कई हजार साल पहले जो लोग रहते थे उन्होंने अपनी ड्रॉइंग्स के आधार पर दिया भी है। उन्होंने ऐसी चीजें बनाई हैं। अब विश्वास करना ना करना ये आपके ऊपर है। एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, वो ये कि हमारे ही एंसेस्टर जो कि बहुत एडवांस थे जब धरती अपने आप को रीसेट कर रही थी तो इस ग्रह को छोड़कर चले गए क्योंकि यहाँ पर होने वाला था मास एक्सटिंक्शन, लेकिन हमारे लिए ये कोई टेक्नोलॉजी का पीस यहाँ पर छोड़ के गए हैं जो कि ह्यूमन रेस को आगे गाइड कर रहा है, या कोई टाइम ट्रैवल का चक्कर भी जोड़ के देख सकते हो। तो ये सारी थ्योरीज हवा में उड़ने लगी। अब नासा वालों से ये पूछा गया कि तुम काहे शांत बैठे हो, कुछ भेजो उसके पास, पता करो ये क्या है। नासा कहता है, हैं हम काहे जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है कि ये एलियन सैटेलाइट है या फिर कोई और चीज। तो उनसे ये पूछा गया, अच्छा चलो तो यही बता दो कि तुम लोग क्या मानते हो। तो नासा ने ये कहा कि भैया स्पेस वॉक करते हुए एक एस्ट्रोनॉट एक थर्मल कवर लगा रहा था जो कि उसके हाथ से छूट गया और वो आजकल कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इसके बाद नासा ने और भी फोटोग्राफ रिलीज कर दिए। तो नासा वालों ने अपना पल्ला सैटेलाइट से झाड़ लिया। उनके हिसाब से तुम्हें जो समझना है समझ लो, हम तो इसे मानते ही ना है कि ये कोई सैटेलाइट है या कोई एलियन शिप, ये तो कचरा है हमारे लिए। और नासा की तरफ से बात यहाँ पर क्लोज हो गई। अब जरा जान लेते हैं कि इस पूरी कहानी में जो जो चीजें घटी हैं उसमें क्या सच था और क्या ऐसा था जो दिमाग की उपज है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि निकोला टेस्ला, मार्कोनी और उनके जैसे और वैज्ञानिकों ने रेडियो सिग्नल तो रिसीव करे थे, लेकिन ये रेडियो सिग्नल्स हमें बाद में पता लगा कि पल्सर थे, कुछ लोग पल्सार भी कहते हैं। अब क्योंकि इनकी जानकारी हमें 1960 के बाद ही हुई है तो उस समय हमें ये पता ही नहीं था कि इनका सोर्स क्या है, और इसीलिए हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि निकोला टेस्ला को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के मतलब गलत सबूत हाथ लग गए हो या गलत मतलब निकाल लिया गया हो। अब देखो दावा नहीं कर रहा हूँ, अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरी चीज LDE यानी कि लॉन्ग डिलेड एको, हाँ तो ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, इसका जवाब नहीं है। थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया है वैज्ञानिकों ने कि ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, जैसे मून से रिफ्लेक्ट हो गई या किसी और सॉलिड बॉडी से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई, पर ये अंदाजे हैं, ठोस कॉन्क्रीट जवाब अभी नहीं है। और हाँ, सन से हो सकती है, सन के प्लाज्मा क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब आते हैं डंकन लेनिन के, जो वो क्या बोलते हैं, डिकोड करा था उसने मैसेज। तो जब ज्यादा ही बाल की खाल उतारी गई तो डंकन लेनिन ने ये बात मान ली कि देखो मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है लेकिन विज्ञान तो चलता ही ऐसे है, मुझे जो लगा, जो एक्सप्लेनेशन मुझे सही लगी मैंने वो बना ली, अब मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है। मेरे हिसाब से इन रेडियो सिग्नल को डिकोड करने पे एक नक्शा मिल रहा है, मर्जी है आपकी, मानना चाहो मान लो, ना मानना चाहो मत मानो। और डंकन लेनिन ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अब नासा से ये पूछा गया कि जरा ये बताओ, धरती घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक बात है, और हमें ये सैटेलाइट घूमता हुआ मिला ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी उल्टी दिशा में 1960 में, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। अब नासा ने 2 मिनट अपना सर खुजाया और उसके बाद ये नया जवाब सुझाया कि देखो भैया बात ऐसी है कि हमने एक फुंतरू स्पेस में छोड़ा, वो हो गया माल फंक्शन और उल्टी दिशा में उड़ने लगा। चलो गटकना मुश्किल है इस जानकारी को, पर गटक लेते हैं। लेकिन अलग अलग देश की सरकारों ने, प्राइवेट कंपनीज ने, साइंटिस्ट ने जो एविडेंस इकट्ठे किए थे, जिनमें से फ्रांस वाला तो बहुत फेमस है जो कि फ्रांस की सरकार ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, ये काहे किया। अब इसके पीछे जवाब मिला कि भैया लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता क्योंकि लोग तो अफवाह बनाने माहिर हैं। तो हो सकता है, माना जा सकता है कि शायद हमें सही जवाब मिल रहा हो, लेकिन कितना भरोसा करें और कितना ना करें ये नहीं कहा जा सकता। अब देखो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है। क्या इस सैटेलाइट का बिल्कुल सटीक जवाब हमारे पास है? तो इसका जवाब है नहीं है, ना तो नासा बताता ना कोई और बताता। क्या ये सैटेलाइट अभी भी दिखती है? नहीं, कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। क्या इसकी कोई परमानेंट लोकेशन है? नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। जिसको दिखती है वो हल्ला मचाता है, जिसको नहीं दिखती वो कहता है ये फालतू में हल्ला मचा रहा है। तो मोर और लेस कुल मिला के ये मिस्ट्री बनी हुई है। अब चाहे तो आप कहानी के उस हिस्से पे यकीन कर लो जिसमें इसको डीबंक किया गया है, और चाहे आप दूसरे हिस्से पे यकीन कर लो जिसमें जो जवाब इसको डीबंक करने के लिए दिए गए हैं वो काफी नहीं है। तो मामला बीच में आके अटक गया। कोई अपडेट मिलेगी या कुछ पता लगेगा तो जरूर बताऊंगा। तो जी ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।